हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं बताऊंगा आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी कैसे पता करें। फ्रेंड्स, अगर आपके आधार कार्ड का आपको वर्चुअल आईडी पता नहीं रहता, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी कैसे पता करेंगे। जब भी आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो या मोबाइल से, लैपटॉप या कंप्यूटर से, वहाँ पर तीन ऑप्शन शो करेगा। फर्स्ट आधार नंबर से कर सकते हैं, सेकंड वर्चुअल आईडी से कर सकते हैं, थर्ड में आप वीआईडी नंबर से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एनरोलमेंट आईडी। वहाँ तीन चीज़ से आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स वर्चुअल आईडी कैसे पता किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने में छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक करिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, घंटी प्रेस करिए, ताकि आपकी यूट्यूब से ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से मैं अपना गूगल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। गूगल को जैसे ओपन करेंगे, इसमें आपको टाइप करना है फ्रेंड्स UIDAI.gov.in। लिखते हैं आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खोल के आपके पास आएगा। फर्स्ट में इसका लिंक है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का यूज़र इंटरफेस खोल के आपके पास यहाँ पे शो करेगा। आपको थोड़े यहाँ आपको ऊपर की साइड यहाँ पे आपको ले जाना है, और यहाँ आपको ऊपर की साइड यहाँ पे ले जाना है। आपको यहाँ पे लिखा है वर्चुअल आईडी वीआईडी जनरेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसका लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सिंपली जाकर उस पेज पे जाकर आप पहुँच सकते हैं। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लिखिए माई आधार आधार सर्विस वर्चुअल आईडी वीआईडी नंबर जनरेट। अगर इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, जिस आधार कार्ड वर्चुअल आईडी देखना चाहते हैं वो आधार नंबर यहाँ आपको डालना है। चलिए यहाँ से मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ से मैं डाल देता हूँ। बॉक्स में एक कैप्चा आपको डालना है, जैसा कैप्चा लिखा है वैसा ही सेम डालना है। कोई भी आपको गलत नहीं डालना, नहीं तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैं कैप्चा डाल लेता हूँ यहाँ से 27NM6। अब यहाँ पर आपको सेंड OTP क्लिक करना है। सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आपके पास भेजा जाएगा। वो OTP का आपको यहाँ पर डालना है। चलिए यहाँ से मैं अपना OTP का वेट कर लेता हूँ। देखिए मेरा OTP यहाँ पे आ चुका है। चलिए मैं डाल लेता हूँ यहाँ से, मैं कैप्चा OTP डाल दिया। अब यहाँ पे जनरेट और जो जनरेट पे टिक मारना है, इस पर जैसे ही मारेंगे अब आपको जनरेट पे क्लिक करना है। अब जो भी आपके आधार कार्ड के मोबाइल नंबर से लिंक है आधार कार्ड, इस पर आपको एक मैसेज आएगा, वहाँ पर आपको वर्चुअल आईडी लिखा रहेगा। देखिए मेरे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक था, देखिए मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल आईडी यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया। यहाँ पे देखिए ये मेरा वर्चुअल आईडी यहाँ पे है। वर्चुअल यहाँ पे लास्ट का चार अंक नंबर यहाँ पे आपको शो करेगा, किस डेट को आया वो डेट यहाँ पे आपको सब कुछ शो कर जाएगा। यहाँ मेरा नाम रहेगा डियर मीर राजा, यहाँ वर्चुअल आईडी यहाँ पे सब कुछ आपको शो कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरा वर्चुअल आईडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट करके आप यहाँ पूछ सकते हैं।